So we are back with another challenge. और आज हम लेकर के आए हैं थोड़ा सा different challenge और हम आ गए आज सपना के गांव में और आज का challenge है living in the village for 24 hours. दो दिन जिम जाने का कमाल. बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है और अगर आपको भी हो रही है ना तो वीडियो को लाइक कर देना और फिर चलो स्टार्ट करते हैं यार. चलो मुझे लगा ये उठ जाएगी पर ये उठी नहीं. अब उठा चूल्हा वूल्हा सब कुछ है ना. पे भैंस भी है चूल्हा भी है. उसे दूध निकलवाएंगे भैंस से. ये मुझे कुछ दिख गया. ये अनु का न्यू बॉयफ्रेंड. मैं 16 साल बाद अपने मामा के पहुंच गई. हेलो. सपना तो पहुंच गई मामा के यहाँ पर हम तो किसी को भी नहीं जानते भैया. इतनी सारी अनुपमा बाल पर इतनी मोटी कैसे हो गई. ये जीतू है ना. सपना है छोटे होते हैं. चांदनी की सास. सिस्टम फाड़ देंगे. तो हम निकल गए हैं गांव की सवारी पे और सपना यहाँ पे है और उसे हमने कैमरा नहीं दिया क्योंकि हमारे कान पक जाते. ये बड़ी अच्छी बात कही है. छोटे छोटे मैं गाना नहीं गा सकती. आगे का आप लोग गा लो. मुझे खेत के अंदर घुस क्या बोला तूने. मुझे खेत के अंदर घुस के फोटो चाहिए. मुझे भी एक स्टैटिक फोटो चाहिए. मैं तो कुछ और ही समझ रहा था. इनके सींगे तो है. इनकी भी सींगे नहीं है. तुम्हारे साथ एक छोटा बच्चा आ गया जो हमें गाँव घुमाने वाला है. एक तो मैं तुम्हें लेकर आई हूँ गांव की सवारी करने के लिए. ऊपर से इतना जुल्म. सपना को इग्नोर करो और हम दोनों आज मैची हो के आए और हम ये खेतों में जाएंगे गन्ने. किसी और का होगा मारेगा कोई. मारेगा कोई यहाँ पे. अनु बुग्गी के साथ बॉडी बिल्डिंग कर रही है. दो दिन जिम जाने का कमाल. ये वाला मेरे लिए. मैं जीता हूँ. सपना चूल्हे पे खाना बनता है. यस मुझे सब पता है. मैं कल इधर लिख लूँ कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए. और ये देखो ये क्या है. ये बताओ. अरे मुझे क्या पता. मुझसे पूछे जा रही है बार बार. मैं बताती हूँ. ये इसने सोना बना रखा है. सन बात लेती है यहाँ पे आप देख रहे हो. हम ना पानी देते हैं खेतों में. वे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना. और जब अनु के घर में पानी खत्म हो जाता है एक महीने में तो यहाँ पे नहाते. छोटे वाले ये मेरे मामा जी के भाई है. ये मेरी नानी है. मामा जी के भाई नहीं मामा जी के बेटे मामा जी के ये हम किसका इंतजार कर रहे हैं. बुक्की का इंतजार कर रहे हैं. बुक्की कब आएगी. हमारी धन्नो कराएगी हमें सैर. आज हमने कर दी अपनी कार को डेट. बाय बाय. सवारी हमारी आज ये धन्नो. हमारी धन्नो हमें बिठा के लेके जाएगी नहर तक. आ जाइए दीपक जी. लेट्स गो. के वो बुलाती है मगा जाने का नहीं. आ जाओ आ जाओ दीपक जी जल्दी आ जाओ. मेरे को जाना पड़ेगा. मेरे को जा. हम बुकी की सवारी करते हैं. बुकी की सवारी बहुत खतरनाक है. मुझे वो टैन न न न धूम की याद आ रही. और इस वक्त सबसे ज्यादा फट रही है वो दीपक जी की. हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती. दीपक जी बोल रहे मैं नहीं बना रहा. फिर कौन बनाएगा. तुम नहीं बनाओगे तो. बहुत मजा आ रहा है. सो मच एडवेंचर नहीं चाहिए था भगवान. फाइनली हम नहर के पास आ गए. ये मिशन अकॉम्प्लिश्ड. तो यहाँ मिल गई हमें केजरीवाल की एक और नहर. गांव में आके खुली हवा में बैठने का या मतलब कितना अच्छा लगता है ना. ये कमेंट में बताओ. फेंक दो इन तीनों को नीचे. वैसे तो हमें हर जगह हड़काया जाता है. यहाँ पे ट्रैक्टर भैया ने भी हड़काया और बोला मुझे जगह तो जाने के लिए इसलिए वेट कर रहे थे. बहुत ले लिए वादियों के मजे. ओ ये देखो हमारी गन्नो. बिल्कुल भी नहीं. जीतू से मिलती है. जीतू से नहीं. कभी जीतू कभी अन्नू. मेरे से भी तो पूछो भाई. मुझे तो सपना पसंद आ रही है. हाँ ये कर लो पहले. कोने में चली गई. इस बार लुढ़कते हुए जीतू नीचे. इस बार तो मैं ऐसे करती. मैं भी ऐसे बैठूंगी यार. यहाँ पे दीपक जी सिखा रहे हैं कि हमें डांस कैसे करना है. मैंने ठुमका मारा. मैं बोल रहा हूँ उठा ना. वो शर्मा रहा है. कौन सा गाँव. कोई भी गा दे. नातिन को देख रहे हो. वो भी पता क्या होते हैं गुज्जरों में होते हैं ना. जब मुंह ढक तेरी आँखियाँ कायो काजल. चलो यार चलो खत्म करें. नहीं नहीं देख सकते अपन की शक्ल. मुझे पता है तेरी आँखियाँ कायो.
मसलिया ने रखे डैशबोर्ड पे। सपना के घर में अन्नू का रिश्ता पक्का हो गया। आग लगा दी। मैं खाना बना रही हूँ, घर की छोरी काम करेगा, वहाँ पे खेल रहे हैं वो लोग बैठ के। गांव में मुझे लगता है ऐसे जो हम लोग अभी शहरों में फोन वोन में बिजी हो जाते हैं, फोन में ही लूडो खेलते हैं, पर ऐसे मैनुअली लूडो। ओ छे आगे इसका। फूड इज रेडी, लेट्स गो। अबे ओ गधो, खाना रेडी है भाई, क्या चल रहा है यहाँ पे, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। यहाँ पे इतना सारा खाना है और आंटी ने हमें इतनी मेहनत से इतना कुछ बना के दिया। ओह माय गॉड, नवाबों के लिए है नवाबी खाना। और यहाँ पे लग रहा है अनु खाना देख के बौखला गई। तो मेरे पास स्पेशल कुकी है आज अनु के लिए, खाओगी अनु? ये भगवान क्या जुलुम है, अनु यहाँ पे कुकी तोड़ के खाने की कोशिश कर रही है चूल्हे पे। चाय सबके लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आ चुके हैं हमारा शूट देखने के लिए। अब इसमें वो केरोसिन ऑयल डालता है ना, चाय बना, आप सबको चाय बना के पिलाएंगे। गाइस आग लग गई चूल्हे पे। चाय थोड़ा आपको अंदर की साइड ले जाने की कोशिश करते हैं, ये तो कुछ भी नहीं हो रहा। और हम सबके लिए चाय बना रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने हमें इतना पेट भर के इतना स्वाद स्वाद खाना खिलाया, तो हम लोग सोचे हम लोग भी कुछ बना के। लायक है क्या डाल दो ना पूरा? अरे रुक जाओ यार, मुझे टिश्यू पेपर की बड़ी आंसू आ रहे हैं। इतना नहीं रोते। ये इलायची डाली है मैंने और चाय की पत्ती डाली है अभी। कितनी ग्लास बनी है जिसके हिसाब से बनाती हूँ। मैं इस बच्चे को बोलना चाहूंगी, बेटा ये तो हमारा वो चैलेंज है, तुम क्यों सफर कर रहे हो? बनाओ यार, उजागर क्या कर रहे हो? हमें वैसा चैलेंज करना चाहिए, वाइल्ड लाइफ वाला, जाके ऐसे आग जला रहे। बताओ हमें, अगर हमें वाइल्ड लाइफ चैलेंज करना चाहिए, सपना और जीतू को करेंगे हम वाइल्ड लाइफ बेयर ग्रिल्स की तरह, हम जाके वहाँ पे जंगल में कीड़े वगैरह खा रहे हैं दोनों। तो अभी तो चाय बन रही है, चाय बनने के बाद हम आपको मिलते हैं अपने प्यालों के साथ। सबको हम चाय बांटेंगे अपनी पसंदीदा। और ये इन्होंने देखो क्या मुझे बिठा के चाय पे रखे ले आई, बस छान कर लेकर आई है, बनाया हम सबने मिलके। बकवास मत कर, ज्यादा मेहनत तो मैंने और अन्नू ने की है। अच्छा गाइस, तुम लोग कमेंट करो कि सपना दीदी ने तो गाइस हम बिल्कुल ड्रेन हो चुके हैं अभी, और अभी 9 बज चुके हैं, और वैसे भी गांव में तो सब लोग जल्दी ही सोते हैं, तो हम भी सो ही रहे हैं, बट हमारी वजह से सब लोग जगे हुए हैं अभी। चलो अब सो जाते हैं गाइस, सो जाते हैं क्योंकि अब हम सुबह उठ के सीधा ऑफिस के लिए निकल जाएंगे, और अब बस बहुत हो गया भाई। चलो गाइस बाय बाय। द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो हम लोग तोड़ के लाए हैं ये दातुन, और हम दातुन करेंगे। ये बहुत कड़वा है, थोड़ा सा नहीं, बहुत। दिस इज सो कड़वा। अबे ओ, मेरी अंगूठी से मिरर बना ले, उल्टी टिक कर लें यार। क्या मैंने भी हल्का टच भाई, उल्टी आ रही है भाई, उल्टी आ रही है भाई, नहीं आई भाई, बहुत कड़वा है, इससे अच्छा ऐसे। ये रियल मंजन है, मुझे क्या। सुबह दातुन करते करते हमें दिखी गाय, और अन्नू देखो फिर से बौखला गई। इनको देख के मेरी पहली हवा टाइट हो गई यार। पॉलिथिन तो दे दो, मैं कर लूं। ना मामा जी क्या कर रहे हैं, मैं नहीं कर सकती, मेरे से नहीं होगा, मुझे घर जाने में जा रही हूँ। बाय बाय बाय, मैं तो बस की ही ना है बस। ऐसे और कोई बात नहीं यार, हम भी गोवर्धन की पूजा करते हैं तो इट्स फाइन ना। अभी अभी की है ना, तो देखा है मैंने, तो मैंने उठा सकती हूं। इट्स फन, मैं ये प्रोफेशनल बन सकती हूँ। चलो एक्टिंग के बाद ये करियर भी बना ही सकती है जीतू। हाँ पकड़ रही हूँ। मैं कितना डरती हूँ जानवरों से, तो बट इट वॉज फन यार। गाँव की खासियत ये होती है कि पूरा पूरी बारात आ जाती है सी ऑफ करने के लिए, तो हमें ये चैलेंज करके बहुत ज्यादा मजा आया। आपको आएगा नहीं हमें कमेंट्स में बताना, और वीडियो को ढेर सारी लाइक कर देना। आप लोग भी बोल दो लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।